लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 के 12 क्वेश्चन तक देखा था। इसमें हम 13 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो 13 क्वेश्चन इज दैट ऑडिट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गवर्न बाय द बेसिक प्रिंसिपल्स विच शुड बी कंपाइल्ड विद व्हेन एन ऑडिट इज कैरिड आउट। बेसिकली ऑडिट का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, इसमें इसने ये पूछा है। तो बेसिक प्रिंसिपल एक ऑडिट को करते हुए क्या हमें फॉलो करना चाहिए और क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आती है हमारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। जो ऑडिटर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, पूरी तरह ऑनेस्ट होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए अपने काम में और अपने प्रोफेशनल वर्क में। वो तो पूरी तरह इंटीग्रेट हो, ईमानदार हो, वो अपनी मेंटेन करे एक एटीट्यूड जो फ्रीली ये दिखाए कि मतलब किसी भी इंटरेस्ट से परे है, वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और पूरी ऑनेस्टी के साथ वो अपना काम कर रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, वो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है ऑडिट के टाइम पे उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करे, किसी को भी ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे विदाउट द स्पेसिफिक अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट। स्किल्स एंड कम्पिटेंसी, उसके अंदर पूरी स्किल्स होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर उसे ऑडिट करने के लिए बोला गया है तो उसको हर एक चीज़ आनी चाहिए, उसको हर एक सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की और हर एक एक्सपेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए ऑडिट को करने के लिए। वर्क परफॉर्म बाय अदर, अगर कोई ऑडिटर ने किसी को डेलीगेट कर रखा है काम अपने एसोसिएट को अपने आर्टिकल को, तो उनके काम को यूज़ करेगा और पूरी तरह चेक करेगा और वो जो उनका काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली ऑडिटर होगा और जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है। एक आर्टिकल के काम के लिए वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि वो उसका बॉस है, उससे काम करा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करेगा वो हर एक मैटर को जो इम्पोर्टेंट है, ये एविडेंस देते हैं कि ऑडिट कैरिड आउट की है बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से, इस चीज़ को पूरी तरह डॉक्यूमेंट करेगा। प्लानिंग, ऑडिटर ये चीज़ प्लान करेगा जो उसका वर्क है वो इफेक्टिव ऑडिट के हिसाब से एफिशिएंटली और टाइमली मैनर में किया गया है और पूरी तरह टाइमली मैनर में करके ताकि काम पूरा हो सके, उसको इस हिसाब से वो प्लान करेगा। ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर शुड ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्लायंस एंड सब्सटेंस विद प्रोसीजर। जो ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस अपने कंप्लाइंसिस के हिसाब से या जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं वहाँ पे, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि पूरी तरह सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं और सारे अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स हैं उनका कंप्लाई किया गया है नहीं, उस हिसाब से पूरे एविडेंस को वहाँ पे गैदर करेगा और उन्हीं के बेसिस पर अपना ओपिनियन देगा। अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, जो ऑडिटर है वो एक अंडरस्टैंडिंग लेगा अकाउंटिंग सिस्टम की और एक इंटरनल कंट्रोल की, किस तरह के अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ फॉलो किए जा रहे हैं, किस तरह का कंट्रोल लगा हुआ है, और उसको स्टडी और इवेलुएट करेगा कि सही से काम कर रहा है या नहीं। ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग, ऑडिटर क्या करेगा अब रिव्यू और एसेस करने के बाद अंदर कंक्लूजन देगा ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग कि लाइक जो ये ऑडिट एविडेंस है वो मेरे नॉलेज और ऑफ द बिजनेस के हिसाब से या कंक्लूजन के हिसाब से काफी सही है और मेरे को अब इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि सारे ओपिनियन सही आ रहे हैं। जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो एक क्लियर रिटर्न ओपिनियन देगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में और कंप्लाई करेगी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो क्वालिफाइड ओपिनियन है या एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन जो भी होगा उसके हिसाब से वो बताएगा कि हाँ मेरे को ये मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट कर रहे हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस बेसिकली वही है जिसकी वजह से ऑडिटर एक रीजनेबल ओपिनियन दे पाता है, वो 100% राइट ओपिनियन नहीं दे पाता। रीजनेबल ओपिनियन आप ये मान सकते हो कि वो 99% सही है, 1% उसमें डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस आकर होती क्या है, ऐसा वैसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का एक ऑडिट को करना अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करना। जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है और ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिकग्नाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या पॉलिसीज के हिसाब से बनी हुई है नहीं। अगर ऑडिटर को ये मिलता है और ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपके द्वारा बनाई गई है या ऑडिटर जो फॉलो कर रहा है प्रोसीजर्स वो ट्रू एंड फेयर व्यू आपका फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है पूरी तरह ट्रू है, फेयर व्यू है, सारी चीज़ों का कंप्लाई किया गया है या नहीं। द प्रोसेस ऑफ द ऑडिटिंग इज दैट इट सफर फ्रॉम द सर्टेन लिमिटेशन, जो आपकी ऑडिटिंग प्रोसेस है वो काफ़ी सारे लिमिटेशन से डिफर करती है, लाइक काफ़ी सारे लिमिटेशन उसमें हो सकते हैं जिसकी वजह से आप रीजनेबल ओपिनियन देते हो। तो इनको बेसिकली ये लिमिटेशन किस तरह की हो सकती है, सो
सबसे पहले आपकी आती है नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट इन्वॉल्व द जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है, मैनेजमेंट ही उसमें जजमेंट लेती है कि मेरी कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। और ऑडिटर को क्या है, उन्हीं को चेक करके अपना ओपिनियन देना पड़ता है जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनको अच्छी तरह रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, ये सब देखना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैनेजमेंट ही इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए या नहीं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके सब्जेक्टिव डिसीजन, जो किसी मैटर के रिगार्डिंग डिसीजन लिया गया है कि मेरे को इस चीज़ को इंक्लूड करना है और इस चीज़ को नहीं करना, ये चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। और वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट के डिसीजन के बाद ही डलते हैं। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है कि मैनेजमेंट उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकती है जैसा उसको अच्छा लगेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऐसे वो दिखने के। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, जो प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होती है ऑडिटर पे, वो सबसे बड़ी बात है कि एडवांस ऑब्टेन करना। लाइक एग्जांपल अगर वो देख लेते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मैनेजमेंट और अदर मेन और प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये मैनेजमेंट ये काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैनेजमेंट या एम्प्लॉय है आपको इंटेंशनली या अन इंटेंशनली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे। ये रीज़न ये भी हो सकता है, लोगों को फ्रॉड कर रखा हो, उनको ये डर होता है कि कहीं फ्रॉड पकड़ा ना जाए, तो इस वजह से वो लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और इसी वजह से डेट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, अगर वो रिक्वेस्टेड करता भी है तब भी उसको नहीं मिलती। ये एक लिमिटेशन होती है कि आपको ऑडिट प्रोसेस को सही से काम करने नहीं दिया जाता क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं दी जा रही। टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस शीट बिटवीन द कॉस्ट एंड The relevance of the information is but thereby its value tended to diminish over the time. There is a balance to struck between the reliability of information and cost. Basically, आपकी ये भी इसमें timeliness भी एक बड़ा issue होता है कि आपको time पे information नहीं दी जा रही। तो relevance of the information by its value tended to diminish over the time. Like आपकी जो information है आज relevant है लेकिन वो आपको बताएगी वो 4 साल के बाद, तो जब वो relevant नहीं रहेगी तो time के साथ साथ मतलब गिरती जाती है और उसके relevance ही खत्म हो जाती है। लाइक इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं, कोई फ्रॉड हुआ है मेरा 1 महीने पहले, वो आज रेलेवेंट है क्योंकि 1 महीना ही हुआ है फ्रॉड का, अगर वो 4 साल के बाद बताऊंगा तो रेलेवेंट इतना नहीं रहेगा फ्रॉड, तो वो चीज़ है। सो देयर इज एक्सपेक्टेशन बाय यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन होती है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो ऑडिटर का ओपिनियन है वो रीजनेबल टाइम में दिया जाना चाहिए और रीजनेबल कॉस्ट पर दिया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप एक इन्फॉर्मेशन मांगी और आप उसको 50 लाख रुपए खर्च करके 4 महीने में लेके आ रहे हो, तो एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए और ताकि उसका हम यूज कर सकें। अदर मैटर डेट अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, इन केस ऑफ द सर्टेन असर्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट द मैटर इन स्टेटमेंट आर पार्शली इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट बेसिकली आप कुछ एजेंशंस और कुछ सब्जेक्ट मैटर में भी देखोगे जो इफेक्ट होता है लिमिटेशन का ऑडिटर की एबिलिटी पे, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है मैटर में स्टेटमेंट को अगर कोई सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो एजेंशंस क्या हो सकते हैं आपकी, फ्रॉड एंड पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग अ सीनियर मैनेजमेंट, फ्रॉड जो आपका है उसमें सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूड है, कोई एम्प्लॉय इंक्लूड है, लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया तो उसको पकड़ना मुश्किल है। एग्जिस्टिंग कंप्लीटनेस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी की हुई है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अकरेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद लॉ, आपने लॉज को फॉलो ही नहीं किया, फ्यूचर इवेंट हो रहे हैं आपके वो उसकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट देर इज ए अनअवॉइडेबल रिस्क दैट द सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। इन सारे लिमिटेशंस की वजह से काफ़ी सारे मतलब आपका रिस्क है अनअवॉइडेबल कि जो आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती और आपकी जो ऑडिट है प्रॉपरली प्लान नहीं हो पाती एज पर द एसएस। तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द ऑडिट, हैविंग द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, क्या इम्पोर्टेंस होती है, एडवांटेज क्या होती है ऑडिट कराने के। सबसे पहले सेफगार्ड करते हैं आपके इंटरेस्ट को, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का जो मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड है, एक मॉरल चेक है एम्प्लॉय का कि मतलब फ्रॉड नहीं करेगा वो, हेल्पफुल है सेटलिंग है टैक्स लाइबिलिटी में, नेगोशिएशन फॉर द लोन डिटरमाइनिंग द परचेज में अगर आप नोट करा रखिए तो एक अथॉरिटी है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट हैं। हेल्पफुल है सेटलमेंट रेट और लेबर डिस्प्यूट्स वगैरह में हायर वेजेस के, एंश्योर करते डिटेक्शन और मिनिमाइज करते वेस्ट को, एंश्योर करते मेंटेनेंस ऑफ द एडवोकेट अकाउंट और रिकॉर्ड्स सही से बनाए गए हैं,
टाइप ऑफ द ऑडिट अंडर द लॉ, कौन से ऑडिट है जो लॉ के अकॉर्डिंग है। ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट मे बी अदर टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो तरह के ऑडिट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें ऑडिट करानी पड़ती है, लाइक जो कंपनीज एक्ट के थ्रू होंगी कंपनी उन्हें ऑडिट करानी पड़ेगी, बैंकिंग रिलेशन में है ऑडिट करानी पड़ेगी उन्हें, इलेक्ट्रिक सप्लाई में है उन्हें ऑडिट कराना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ऑडिट कराना पड़ेगा, पब्लिक और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं ऑडिट कराना पड़ेगा, कॉरपोरेशन है पार्लियामेंट के थ्रू ऑडिट कराना पड़ेगा, स्पेसिफाइड एंटिटी है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ऑडिट कराना पड़ेगा, सेल्स टैक्स और वैट के अकॉर्डिंग ऑडिट कराना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड्स कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इशूड बाय द AAAB अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ ICAI डिस्कस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल आर करेक्टली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इन सारे स्टैंडर्ड्स को एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं बेसिकली। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग टू बी अप्लाइड इन द ऑडिट ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके स्टैंडर्ड हैं अप्लाई होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। स्टैंडर्ड ऑन द रिव्यू एंगेजमेंट, ये बोल सकते हैं आप रिव्यू कर सकते हो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अपना। आप एश्योरेंस एंगेजमेंट को ये बोल सकते हो अप्लाई होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में और सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और अप्लाई होते हैं एंगेजमेंट के जो अप्लीकेशन ऑफ बैगरी प्रोसीजर टू इन्फॉर्मेशन और द कंप्लाइंस और एंगेजमेंट्स के हिसाब से अप्लाई होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एज पर द AS2 ऑन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री द अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। बेसिकली आपके एज पर द AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तभी हो सकती है, आपकी जो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो आपके तभी एक्सपेंस माने जाएंगे जो आपने उसी ईयर वो किए हों और वो आपके जो टोटल P&L है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डाल दो। इंटेंजिबल एसेट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रिलेटेड हार्डवेयर कैन बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट। जो आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो एक पार्ट है हार्डवेयर का उसको आप उनको इंटेंजिबल एसेट ट्रीट कर सकते हो। एज पर AS 26 ऑन द इंटेंजिबल एसेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल डेट कैन नॉट बी ऑपरेट विदाउट द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, लाइक आपकी विंडोज है वो आपकी हार्डवेयर के बिना नहीं चल सकती, तो इसका इंटीग्रल पार्ट है ये, इसको आपको इसके साथ फिक्स एसेट ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि आपका विंडोज बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह आप ये बोल सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटीग्रेटेड रिलेटेड पार्ट हो सकता है हार्डवेयर का और इसको फिक्स एसेट कवर किया जाएगा। डिफाइन शॉर्टली द आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन कंडक्टेड इन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज बिटवीन द विलिंग बायर एंड द विलिंग सेलर हु आर अनरिलेटेड एंड एक्टिंग एज इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर परसुइंग देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। आप गाड़ी खरीदने गए किसी शोरूम से, आप विलिंग बायर और आपको खरीदनी है, वो गाड़ी बेच रहा है विलिंग सेलर है, तो ये बेसिकली आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन होगी कि आप एक दूसरे को जानते नहीं फिर भी आप बेसिकली आप एक खरीदना चाहते हो और वो बेचना चाहता है एक रीजनेबल प्राइस पे एक सर्टेन प्राइस पे, तो आपको आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। डिस्कस द रेफरेंस टू एसे द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑल द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग विद TCWG, कम्युनिकेशन ऑफ द फाइंडिंग विद TCWG, क्या क्या कम्युनिकेशन ऑफ द फाइंडिंग बता सकता है वो TCWG को। एज पर द SA 260 कम्युनिकेशन विद द TCWG द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट विद द TCWG। ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर सकता है ऑडिटर किसको, TCWG को। ऑडिटर्स व्यू अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ऑडिटर के व्यू क्या हैं आपकी सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम पे, उसके व्यू क्या हैं, कितनी क्वालिटी का आपका अकाउंटिंग सिस्टम है इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कैसे हैं, ऑडिटर के क्या व्यूज हैं इस बारे में वो अपने TCWG को बता सकते हैं। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या आ रही है ऑडिट के दौरान, कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहा है या कोई ये बोल रहा है कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, तो वो उसके साथ डिस्कस कर सकता है। अनलेस ऑल ऑफ द दो चार्ज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, अगर TCWG भी इन्वॉल्व है
अगर TCWG है ही नहीं एंटिटी में तो क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट दैट वर डिस्कस्ड टू द मैनेजमेंट, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, जो अदर मैटर हैं ऑडिट के दौरान अराइज हुए हैं प्रोफेशनल जजमेंट के रिगार्डिंग, और वो भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में वो भी आपके डिस्कस। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रॉम द कंटेंट एंड एक्सटेंट फ्रॉम द ऑडिट, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रॉम द कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट को, एज पर द एसए 230 एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो आपका फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ऑडिट का। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, आपकी एंटिटी का साइज कितना बड़ा है और कितनी कॉम्प्लेक्स है वो, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर आपका क्या है, आइडेंटिफाई रिस्क होगा मेटेरियल मिसस्टेटमेंट आपकी, अगर कोई मेटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाती है तो उसका क्या रिस्क होगा, सिग्निफिकेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, आपके जो ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया कितने सिग्निफिकेंट है, और नेचर एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, और आपने जितनी भी एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई किए हैं उनका नेचर क्या है और वो किस हद तक है एक्सटेंट। While playing the audit of the S limited, you want to apply the sampling technique. What are the factors keep in mind? S का audit करते हुए आपको sampling technique लगानी पड़ेगी। आपको कौन से factor दिमाग में रखोगे sample लगाते हुए? Risk factor while determining the sample technique. As per the SA 530, audit sampling. Sampling risk is the risk that the auditor conclusion based on the sample may be different from the conclusion in the entry process subject to the same audit procedures. बेसिकली आपका सैम्पलिंग के साथ ही तब है जब सैंपल से अलग रिजल्ट आ रहा हो और जो पूरी पूरी मैंने डेटा डाल दिया उससे अलग रिजल्ट आ रहा है। लाइक आप ये मान लो कि मैं एक्सेल में वी लुकअप लगा के देख रहा हूँ, मैंने मेरे पास 1000 कंपनीज का डेटा है, 1000 में से मैंने 10 कंपनी के सैंपल निकाला और उन पर वी लुकअप लगाया, उसमें कोई और रिजल्ट आ रहा था और मैंने 1000 का निकाला उसमें कोई और आ रहा था, तो सैंपलिंग रिस्क का हमारा कि सैंपल से कुछ और हो रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आपके कंट्रोल के टाइम पे जो आपके टेस्ट ऑफ द कंट्रोल यहाँ पे लगाए गए हैं, द कंट्रोल आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, अगर आपके कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव हैं लाइक आप अच्छे से कंट्रोल्स को फॉलो कर रहे हो, और इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ डिटेल्स आप लाइक आपको डिटेल्स को टेस्ट कर रहे हो या प्रोसीजर्स को टेस्ट कर रहे हो टाइम टू टाइम, दैट द मेटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिट व्हेन इफेक्ट डज, आपके जो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही उस टाइम पे जब आपने टेस्ट ऑफ द कंट्रोल लगाया है। The auditor is primarily concerned with this type of the enormous conclusion. तो auditor क्या करेगा? इस time पे इन सारे conclusions को देखेगा and effect because it affect the audit effectiveness. अगर ये audit की effectiveness को affect करते हैं तो वो इसको बोल देगा कि ये inappropriate audit opinion है इस case में. In case of the test of the control are less effective than they actually are. अगर test of the control के case में जो आपके controls हैं less effective हैं actual से तो और सो इस केस में आपकी जो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है इनको हम देखेंगे, और जो टाइप ऑफ द एनॉर्मस कंक्लूजन इफेक्ट द ऑडिट एफिशिएंसी, जो आपके एनॉर्मस कंक्लूजन है वो आपके ऑडिट की एफिशिएंसी को इफेक्ट करेंगे, और ये ऑडिटर को ये बताएंगे कि आप एक कंक्लूजन जो आप दे रहे हो वो एक तरह से गलत है, एडिशनल वर्क आपको इस पर करना पड़ेगा। व्हाट आर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पेक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स, एज पर द एसए 710 कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड द कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और वेदर द सच इन्फॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड, फॉर दिस पर्पज ऑडिटर शुड एवेल्युएट। बेसिकली कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन या नंबर्स को देखते हुए ये चीज देखेगा, जो मैंने कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन दी है एज पर द FRF, जो मेरे को कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन आपकी अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड मैंने सही से की भी है नहीं, सही से उसको दिखाया है या नहीं, और इन सारी चीजों को देखने के ऑडिटर ये चीज इवेल्युएट करेगा। जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एग्री कर रही है, जो मैंने अमाउंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा था उस अमाउंट के साथ वो मैच कर रही है, जो अदर डिस्क्लोजर है वो प्रेजेंट किए गए हैं पुराने पीरियड्स में, जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन वो कंसिस्टेंट है और वो अप्लाई हुई है करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में, उनको कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है या नहीं। इफ द ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी मिस स्टेटमेंट इन द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर को यह पता चलता है कि किसी तरह की मिस स्टेटमेंट है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में ऑडिट करते हुए, तो ऑडिटर शैल परफॉर्म द सच एडिशनल प्रोसीजर एंड नेसेसरी सर्कमस्टांसेस, तो ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगाएगा एडिशनल सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑफ अकाउंट ऑब्टेन करने के लिए।
और ऑडिटर फॉलो करेगा रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द SA 560। SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगा। एज पर द SA 580 ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन, वो ऑडिटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि आप ये चीज रिटर्न में लिख के दो कि आपका जितने भी ओपिनियन है और जितने भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और आपने इस चीज को सेपरेट डिस्क्लोज किया है करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।